तारीख को उनका इलेक्शन है। मैडम के हॉस्टल में आने का ये फायदा है, मॉन्यूमेंट को देखने के लिए मैं आया था, दूसरा करना पड़ेगा राइट से। काउचसर्फिंग ऐप है, उस पे एक रेस किया था कि मेरे को एक्सप्लोर करना है एरिया, और जो मेरी काउचसर्फिंग होस्ट थी आंटी की दुकान से दो कैन लिया है 5000 रियल का। रात को थोड़ा सा ऐसे शक होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में ही निकल जाता हूँ, एक दो मिनट में हॉस्टल को पहुँच के। आज के खाने का क्या प्रबंध है देखना पड़ेगा। मेरा मैगी का सारा कार्यक्रम कर रहा हूँ। मैगी खाते समय आपने देखा होगा मेरा एक्चुअल मैडनेस। $5 में बेच रहे हैं, इनकी एक पानी का बॉटल का कीमत भी यहाँ आके हो जा। नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। एक्चुअली मैं मैडम के हॉस्टल में जब पहुंचा था तो थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं निकल पड़ा हूं थोड़ा सा बाहर, और अपना जो आगे का जर्नी है 22 का से अमरीका, यहां हॉस्टल से ही मैंने टिकट ले लिया, और ये टिकट पड़ा है मेरे को $13 का। अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि बाहर उतना ही है, शायद ज़्यादा लोग होते हैं बाहर की बस में, और $10 का वो टिकट होता है। गड़बड़ ये हो रहा है कि 23 तारीख को उनका इलेक्शन है तो सारी बसेस फुल चल रही है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि मैं अकेला होने के कारण मैं अगर रिस्क लेता तो मेरे को कहीं से कहाँ जाना पड़ता, ये गड़बड़ होता, इसलिए मैंने $3 एक्स्ट्रा दे के ये टिकट खरीदा है यहाँ से। और मैडम के हॉस्टल में आने का ये फ़ायदा है कि आप यहाँ बहुत सारे लोगों से मिलजुल सकते हैं। यही भाई साहब मिले थे थोड़ा देर पहले, इनके साथ क्या मज़ा आता है। मेरे को एक उनका मॉन्यूमेंट है, वो मॉन्यूमेंट देखने जाना था अभी, और एक छोटा सा व्लॉग देने की कोशिश करूँगा मैं आज आपके लिए। और इवनिंग में मेरे को देखना था इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है यहाँ का, वो 700 मीटर दिखा रहा है सिर्फ, इसलिए मेरे पास इंटरनेट होने के कारण मैं जाने की सोच रहा हूँ। कर क्या रहा है ये, जिस मॉन्यूमेंट को देखने के लिए मैं आया था। मैं यहाँ रोड क्रॉस करना कितना ज़बरदस्त टेंशन वाला है, आप देख सकते हैं, मेरे को तो कोई दिख नहीं रहा रोड पे जाने वाला, इसलिए डर लग रहा है रोड से क्रॉस करने में। बहुत सारी गाड़ियाँ एकदम फुल स्पीड में आ रही है, और यहाँ पे मेरे को जाना है। अभी एक रास्ता क्रॉस हो चुका है, अभी दूसरा करना पड़ेगा राइट से। गोप्रो में कितना लाइट आ रहा है पता नहीं चल रहा, और जो मेरा काउचसर्फिंग ऐप है उस पर एक रेस किया था कि मेरे को एक्सप्लोर करना है एरिया। कोई बंदा आ रहा है शायद, पता नहीं उसको कितना टाइम लगने वाला, ये उसका चैट है, उसको मैंने मेरा नंबर दिया था। और जो मेरी काउचसर्फिंग होस्ट थी उनका थोड़ा सा दूर होने की वजह से उनके घर जा नहीं पाया, क्योंकि अकेला होने के कारण बहुत अनसेफ फील कर रहा था। और यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लोर किया एरिया, ये बीचों बीच है शायद सिटी के, और बहुत भव्य इलाका है यहाँ का। और यहाँ से मैडमंग की हॉस्टल का जो डिस्टेंस है ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एक काउचसर्फिंग वाला बंदा नहीं आ रहा शायद, उसको कोई घर में काम है, तो देखेंगे अभी कोई मिलता है हमें रोड पे, क्योंकि हमें थोड़ा सा हैंग आउट भी करना है लोकल बियर के साथ। और ये जो सारा इलाका है वो एम्बेसी इलाका है, इसलिए वो सिक्योरिटेड है ज़्यादा। और इस रोड पे है मेरा मैडमंग की हॉस्टल। अभी मेरे को रोड क्रॉस करने के लिए बहुत जिद्दोजहद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रोड क्रॉस करना इतना ज़बरदस्त वाला कार्यक्रम है कि पूछ भी नहीं सकते। शायद मैं बराबर रोड पे हूँ, ओकना यही रोड से मैं गया था अभी। और यहाँ आंटी की दुकान से दो कैन लिया है 5000 रियल का,
पता नहीं उसका प्राइस कितना है, अभी देखना पड़ेगा मेरे को कि उसका प्राइस कितना पड़ता है। यहाँ का लोकल मार्केट जल्दी ही बंद होता है क्योंकि बहुत सारी दुकानें मैंने देखी वो सारा स्टॉप हो चुका है अभी। तो मेरे को बाहर घूमने का रात को थोड़ा सा ऐसे ही शक होता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में ही निकल जाता हूँ एक दो मिनट में हॉस्टल को पहुँच के। आज के खाने का क्या प्रबंध है देखना पड़ेगा मेरे को। और होटल लॉबी में मैंने बताया था कि मेरे को मैगी बनाना है, इन्होंने रूम में तो अलाउ नहीं किया था मेरे को, लेकिन ये बोले कि आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। मैं यहाँ बैठ के मेरा मैगी का सारा कार्यक्रम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये दो चार मिनट ही लगता है सिर्फ मैगी बनने में। तो अभी मैगी बनने के बाद देखो, मैगी खाते समय आपने देखा होगा मेरा एक्चुअल मैडनेस एट मैडमन की होस्टल ओम पी कम्बोडिया, क्योंकि ये बियर का एक कप भी $5 में बेच रहे हैं। पानी का बॉटल के लिए भी उनके पास बहुत सारा ये करना पड़ रहा है। मेरा पानी का बॉटल आ गया, क्योंकि एक पानी का बॉटल का कीमत भी यहाँ आके बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें अपना फूड प्रिपेयर करना आना चाहिए, जो मैंने 20 किलो बैगेज में किया था। और मैं सुबह कुचुनिंग सिटी से यहाँ आने तक का फ्लॉग आपको कैसा लगा लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करना।